हेलो फ्रेंड, द ओला टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पिंक व्हाट्सअप के बारे में। एक व्हाट्सअप पर एक मैसेज वायरल हो रहा है पिंक व्हाट्सअप से कि उस व्हाट्सअप को आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे तो आपका व्हाट्सअप का कलर पिंक हो जाएगा, आपका व्हाट्सअप पिंक हो जाएगा। तो ये ऐप फ़ोन में डालना सही है या नहीं, इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं, तो इस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जो पिंक व्हाट्सअप का ऐप है वो सिर्फ व्हाट्सअप पर ही वायरल हो रहा है, वो प्ले स्टोर पर नहीं है। जबकि कोई भी कंपनी की तरफ से ऑफिशियल ऐप आता है तो वो प्ले स्टोर पर होता है। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये आती है कि ये ऐप पिंक व्हाट्सअप जो है प्ले स्टोर पर क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक वायरस वाला ऐप है जो एक हैकर द्वारा बनाया हुआ है। ये व्हाट्सअप कंपनी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल पिंक व्हाट्सअप नहीं आया है। तो इस ऐप को आपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि ये व्हाट्सअप पर मैसेज वायरल हो रहा है, उसमें एक APK फाइल है। उस APK फाइल को आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे तो आपको पिंक कलर के कुछ फ़ोटो नज़र आएंगे, तो वैसा करने से आपका फ़ोन हैक हो जाएगा, क्योंकि ये ऐप पिंक व्हाट्सअप जो है एक हैकर द्वारा बनाया हुआ हैगा, ये किसी कंपनी की तरफ से नहीं आया है। क्योंकि फ़ोन आपके हैक करने से मकसद ये है, आपकी फ़ोटो, वीडियो, बैंक डिटेल, पर्सनल जानकारी, आपका पासवर्ड जो हैकर हैं वो हैक कर सकते हैं। इसलिए आपको पिंक व्हाट्सअप अपने फ़ोन में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो थर्ड पार्टी ऐप होते हैं वो कंपनी की तरफ से ऑफिशियल नहीं बनाए हुए होते हैं। क्योंकि अगर कोई भी ऑफिशियल ऐप होगा वो प्ले स्टोर पर होगा, क्योंकि प्ले स्टोर पर कोई भी अगर फेक ऐप होता है जो किसी हैकर द्वारा बनाया हुआ होता है तो गूगल कंपनी उसे प्ले स्टोर से खुद ही हटा देती है, तो प्ले स्टोर पर नहीं आता। अगर आप कोई भी ऐप ऐसा ऐप है जो किसी वेबसाइट से या अगर आपके पास मैसेज आता है वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो उससे आपका फ़ोन हैक हो सकता है और उससे आपके फ़ोन में की निजी जानकारियाँ चोरी हो सकती हैं। ऐसा मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहता हूँ। जैसे आपने किसी को एक चिट्ठी दी और आपको वो चिट्ठी कहा कि आपने किसी ऐसे पर्सन को दे दी, किसी ऐसे इंसान को दे दी जिसे आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, और आपने कहा भाई हमारे उस जानने वाले के पास में आपको ये चिट्ठी पहुँचा के आनी है। तो आपकी वो चिट्ठी लेकर जाता हैगा और रास्ते में उसे खोलकर वो आपके उसमें फ़ोटो देख सकता है, उसमें क्या लिखा हुआ ये भी देख सकता है, या आपका कोई पासवर्ड हो या ईमेल हो उसको भी देख सकता है, उसे पढ़ सकता है। फिर उसके बाद में पढ़ने के बाद वो जहाँ पर आपने पहुँचाने के लिए कहा है वहाँ पर वो पहुँचा देगा। उससे क्या हुआ, आपने किसी डायरेक्ट नहीं दी ये चिट्ठी, आपने किसी के जरिए पहुँचाई। तो वैसा ही जो थर्ड पार्टी ऐप होते हैं, जैसे मान लो पिंक व्हाट्सअप आया है, वो भी ऐसे काम करते हैं। आपने कोई मैसेज किसी के लिए भेजा तो पिंक व्हाट्सअप के जरिए भेजा, तो बीच में आपका वो निजी जानकारियाँ जो है वो हैकर चुरा सकता है। फिर उसके बाद में आपने जिसके लिए मैसेज भेजा है वो मैसेज उस तक पहुँच जाएगा, मगर वो मैसेज आपका डायरेक्ट नहीं पहुँचा, किसी के जरिए पहुँचा। तो बीच में किसी के जरिए पहुँचा तो बीच वाला जो व्यक्ति है वो आपकी निजी जानकारियाँ चुरा सकता है। इसी वजह से किसी को थर्ड पार्टी ऐप को आपने डाउनलोड करके अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई भी ऐप चाहिए तो अगर ऐप डाउनलोड करना है तो आप प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कीजिए। आपके फ़ोन में जो प्ले स्टोर होता है उस पर जो है ट्रस्टेड ऐप होते हैं, उस ऐप प्ले स्टोर से ही आप कोई भी ऐप हो डाउनलोड कीजिए। जो पिंक व्हाट्सअप आजकल जो मैसेज बहुत वायरल हो रहा है वो पिंक व्हाट्सअप 100% फेक है, उसे आप जो व्हाट्सअप कंपनी है उसने नहीं बनाया है, ये एक हैकर द्वारा बनाया हुआ हैगा जिससे आपकी फ़ोन की निजी जानकारियाँ चुराई जा सकें। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।